हेलो गाइस, कैसे आप सभी? और आप सभी बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। और मैं आपके म्यूज़िक शायर आ चुका हूँ नया रिएक्शन वीडियो लेकर। और ये होने वाला है ड्रीम गर्ल बाय बादल। एमटीवी हसल स्टार्ट हो चुका है, 3.0 या 3 बोल सकते हो, रिप्रेजेंट करने लग रहा है बादल। अब मैं इसके ऊपर रिएक्शन वीडियो लेकर आया हूँ और मैं इसके अंदर अपना ओपिनियन बताऊँगा। मैं भी एक तरीके से जज करूँगा, क्योंकि मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ, मैं रैपर हूँ, तो मैं अपने हिसाब से। लेकिन ये बादशाह बिठा रखा है, मेरे को तो बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा भाई। बादशाह क्यों बिठा रखा है इसके अंदर? बादशाह को नहीं बिठाना चाहिए। अगर आप भी एग्री करते हो तो मेरे को ज़रूर बताओ। लेकिन मैं बादशाह को बिठाने से मेरे को कोई वो नहीं है, बस मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये हिप हॉप आर्टिस्ट है ही नहीं, ये पॉप आर्टिस्ट है। तो मतलब इनको बिठाना, तो मतलब बिठाना ही नहीं चाहिए इनको। तो इनकी जगह मेरे हिसाब से डिवाइन होने चाहिए यहाँ पर, या एमए बंटाई भी होने चाहिए। मतलब काफ़ी, मतलब बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, बहुत ज़्यादा बढ़िया बढ़िया आर्टिस्ट हैं। इनसे तो खासकर बहुत ज़्यादा बढ़िया है रफ्तार हो गया, तो बहुत ज़्यादा बढ़िया बढ़िया आर्टिस्ट है, उनको बिठाओ यार। ये किसको बिठा दे? जियान को बिठा के तुम हसल स्टार्ट करने लग रहे हो? ऐसा मेरे को तो लगता नहीं कि डिजर्व है ये बंदा बैठने के यहाँ पे। ये अपना अलग कहीं शो चलाए वो ठीक है, पर यहाँ पे बैठने लायक ये बंदा है ही नहीं, ज़रा भी नहीं है। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो मेरे को ज़रूर बताओ। और हाँ, आपको मैंने पहले भी ये बोला था कि अगर आप कोई भी रिएक्शन वीडियो चाहते हो किसी पर भी, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। और मेरे को भी ये वाला सजेस्ट किया है मेरे दोस्त ने, तो उसने मेरे को बोला कि भाई हसल स्टार्ट हो चुका है, तो हसल पे तू रिएक्शन वीडियोस बना। तो फिर मैं अब इसलिए हसल पे स्टार्ट करा है मैंने, तो आने वाले टाइम में आप हसल के भी वीडियोस देखोगे। और साथ ही साथ मैं और भी गाने जितने भी है सबको मैं कवर करूँगा। और चलो अब से स्टार्ट करते हैं, गाना कैसा होने वाला है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और बेल आइकन नहीं दबाइए तो दबा लीजिए। तो करते हैं स्टार्ट। जा भाई बादल के मैंने काफी गाने सुने हैं वैसे। तू मेरे सपने वाली रानी, मैं तेरा राजा हूं। राजा बस मेरे मर जानी, मैं कितना जाऊं। हां तू मेरे सपने वाली रानी, मैं तेरा राजा हूं। राजा बस मेरे मर जानी। Yeah.
सपीतों का छोरा। ओ गाइस बहुत बढ़िया। मेरे को बादल पहले ही पसंद है, मैं पहले ही इनके मैंने बहुत गाने सुने हुए हैं। ये शायद इक्का के आर्टिस्ट हैं मेरे को लगता है, जहाँ तक है, पर शायद नहीं भी हो, क्योंकि मेरे हिसाब से उनके साथ में इन्होंने गाने करे हुए हैं बादल के, और बादल मेरे हिसाब से दिल्ली के ही है, तो उनके साथ में तो ज़रूर होगा। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि यार मेरे को ये बात समझ में नहीं आ रही, हजम नहीं हो रही है बिल्कुल भी, कि बादशाह क्यों बिठा रखे हैं यहाँ पर। बादशाह कोई डिज़र्व नहीं करती है यहाँ पर सीट, और ये साथ में लड़की कौन है मेरे को समझ नहीं आ रहा, जज के तौर पर ये बना रखी है, तो मेरे को तो यही पता नहीं लग रहा है कि ये क्यों बिठा रखे हैं। एक वो चश्मे वाला बंदा, मैंने इनके गाने ही नहीं सुने भाई, कौन है ये आर्टिस्ट कौन नहीं है, पता तो होना चाहिए भाई, इनके गाने भी तो होने चाहिए, तभी तो तुम इनको बिठाओगे। मेरे को यही चीज़ समझ में नहीं आती, तुमने जज इनको क्यों बिठा दिया। इक्का और डीनो को मैं जानता हूँ, ये बिल्कुल परफेक्ट बिठा रखे हैं, इनको तो मैं बिल्कुल पसंद करता हूँ। इनकी जगह मतलब इन जो लड़की बिठा रखी है उसकी जगह मेरे को लगता है राजा कुमारी बिठानी चाहिए, और बादशाह की जगह मेरे हिसाब से डिवाइन को बिठाना चाहिए, और वो चश्मिश के उसको हटा के क्या बोलते उसको बंटाई बिठाना चाहिए। मतलब इन आर्टिस्ट को बिठाओ यार, तुम इनको बिठा के तुम क्या साबित करो, तुम तो मतलब रैप कल्चर को लात ही मारो, क्योंकि ये आर्टिस्ट है ही नहीं पहली बात तो। ये मतलब आर्टिस्ट अगर होंगे भी तो बहुत तगड़े आर्टिस्ट होने चाहिए यहाँ पे बैठने के लिए, तुम बेंचो इनको बिठा दोगे, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं होता भाई बिल्कुल भी। अगर तुम अपना शो चलाना है तो उसके लिए तो तुम बिठाओ भाई, मेरे को तो कोई मतलब नहीं है। अगर तुम्हें सही में अगर तुम रैप कल्चर को मानते हो और आर्टिस्ट हिप हॉप आर्टिस्ट को बूस्टअप करना चाहते हो, तुम अच्छा आर्टिस्टों को बिठाओ यहाँ पर जज के तौर पर, यहाँ की इन जियान जैसे बंदों को। और हाँ, मैं बादल के ऊपर आता हूँ वापस, बादल को मैंने पहले भी सुना हुआ है। मेरे को ये लगता है कि यार अगर तुम रैप आर्टिस्ट हो तो तुम गाने की कोशिश मत करो। गाना यार मतलब मेरे को लगा बढ़िया गाया बंदे ने, ऑटो ट्यून लगता, और ये गाना अगर बढ़िया से आता तो बहुत बढ़िया जस्ता ये, लेकिन ये ऑटो ट्यून वगैरह नहीं था, तो इसलिए थोड़ा बहुत मेरे को लगा उसके अंदर कि हाँ ये और बढ़िया हो सकता था, लेकिन हुआ नहीं। अगर ये किसी सिंगर के उससे गवाएंगे तो बहुत ज़्यादा बढ़िया लगेगा ये गाना, मतलब रैप, अगर मैं भी रैप आर्टिस्ट हूँ लेकिन मैं भी गाऊँगा तो मैं ऑटो ट्यून ज़रूर यूज़ करूँगा, तो इनको यहाँ पे ऑटो ट्यून। और हाँ, जो इन्होंने रैप वाले पार्ट थे वो वाला मेरे को बहुत बढ़िया लगा, और ये गाना बहुत बढ़िया लगा मेरे को, और ऐसे ही गाने इनको करने चाहिए। और बीट मैंने ये शायद सुनी हुई है, एक पहले मैंने सुनी हुई है ये, शायद उसका कोई सैंपल उठा रखा है और उठा के इस बीट को बना रखा है, और इसके अंदर गैंगस्टा वाली लीड बज रही थी पीछे, तो वो मेरे को लगता है यार इस गाने के अंदर, मतलब गाना तुम ऐसा चुनो ना, मतलब म्यूज़िक ऐसा देखो कि उसको जच रहा हो, तुमने वो तुम्हारे वोकल को और जो तुम्हारा गाना है गाने के उसमें, तुम गैंगस्टा वाले गाने में एक प्यार जैसा गाना तुम कैसे बना सकते हो भाई, मेरे को तो पता नहीं लगता ये कैसे बना लेते हैं। अगर आपको नहीं पता तो इनसे पूछ लेना। तो अगर चलो छोड़ो, ओवरऑल सब ठीक था, सब अच्छा था, अपना भी सजेशन मेरे को बताना, अगर मैं गलत रिव्यू कर रहा हूँ किसी भी गाने का तो मेरे को ज़रूर बताना आप, और मेरा रिएक्शन अगर गलत हो तो मेरे को ज़रूर बताना। और हाँ, एक और चीज़, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और बेल आइकन नहीं दबाइए तो दबा लीजिए। और हर हर महादेव।